हेलो दोस्तों, मैं नेम आकाश, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे भाइयों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लच प्लेट जब आपकी ख़राब होने वाली होती है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट ख़राब होने वाली है। तो ख़राब हो रही है तो यार पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी का ना हमारा एक एक्सपेंसिव पार्ट भी होता है। जितनी महंगी आपकी गाड़ी होती है ना, तो यार उतना ही एक एक्सपेंसिव पार्ट होता है गाड़ी का हमारा, और एक इतना ज़्यादा वर्किंग पार्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारी गाड़ी के लिए। तो भाई, जब ये ख़राब हो रहा होता है तो ये पता कैसे चले आपको कि यार हमारी गाड़ी का क्लच प्लेट एकदम ख़राब हो रहा है। तो सबसे पहली बात बता देता हूँ भाई मैं आपको, नंबर एक की जब आपकी गाड़ी का क्लच प्लेट जा रहा होगा, ठीक है भाई, जैसे कि मतलब पुश करते हैं ना क्लच को, हम जैसे कि दबाते हैं, पुश करते हैं, तो ये जो पुश करने का तरीका है, तो हमारा जो क्लच होता है ये किसी भी गाड़ी का आप चला के देखें, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम ऐसी लाइट होती है क्लच, बहुत ज़्यादा आराम आराम से चलती है। जब ये जा रही होगी ना, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, एकदम टाइट टाइट से जब आप इसे पुश करेंगे बहुत ज़्यादा आपको टाइट लगेगी चलाने में, दबाने में, पुश करने में बहुत ज़्यादा टाइट लगेगी, ठीक है भाई। पहला फ़र्क तो यहाँ पे आ जाता है जब आपको अचानक से ये फील होगा यार मेरी क्लच एकदम टाइट टाइट क्यों लग रही है मुझे, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या आता है, जो हमारा पिकअप होता है गाड़ी के अंदर, हमारी गाड़ी जो भी हमारा पिकअप ले रही है ना अभी फिलहाल में, जैसे आप चला रहे हो कोई भी गाड़ी, वो पिकअप ले रही है, तो वो पिकअप डाउन पे आ जाएगा, मतलब वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगा और आपको फील होगा यार गाड़ी का मैं एक्सीलेटर ज़्यादा कर रहा हूँ, एक्सीलेट कर रहा हूँ मैं गाड़ी को, बट फिर भी गाड़ी उस एक्सीलेट के हिसाब से जा नहीं रही है। जितना आप एक्सीलेटर करेंगे उस हिसाब से वो दौड़ेगी नहीं गाड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा पिकअप उसका लो हो जाएगा, ठीक है भाई। दो चीज़ें ये हो गई। थर्ड नंबर क्या आ जाता है, थर्ड नंबर ये आ जाता है कि जो आपका गियर नॉब है ना, ये गियर नॉब जो होता है गियर लीवर अपना, तो इसमें भी गियर अटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब फंस फंस के गियर डलते हैं, अटक अटक के गियर डलते हैं, फंस जाते हैं गियर, सही से गियर नहीं डलते हैं। लोगों को आप किसी को दोगे ना तो वो कहेगा भाई तुम्हारे गियर लीवर में प्रॉब्लम है, गियर फंस रहे हैं, इसमें डल नहीं रहे। ये भी क्लच से ही रिलेटेड होता है, ठीक है भाई, क्लच प्लेट से ही रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ये भी। जब आपकी क्लच खराब होगी आपके गियर भी अटक अटक के डलेंगे, फंस फंस के एकदम ऐसा लगेगा आपको जैसे कि गियर मेरे अटक रहे हैं, ठीक है भाई। थर्ड चीज़ ये हो गई। फोर्थ प्रॉब्लम क्या आ जाती है, फोर्थ प्रॉब्लम बता देता हूँ, जब आपकी क्लच प्लेट खराब हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो लेगी, ठीक है भाई। फोर्थ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो आपकी गाड़ी का माइलेज है, अगर आपकी गाड़ी माइलेज दे रही है 20 का दे रही है, मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ कि आपकी गाड़ी आपको 20 का माइलेज दे रही है, अब वो 20 का माइलेज आ जाएगा आपका भाई 15 पे, 10 पे, 12 पे, ऐसे करके वो माइलेज आ जाएगा, तो ये भी एक निशानी है आपकी क्लच प्लेट जा चुकी है, ठीक है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है यार गाड़ी चलाए जा रहे हैं भाई, ये एक हमारी गाड़ी का एक्सपेंसिव पार्ट होता है, तो इस पर भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चार चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, चारों चीज़ों को आप ख्याल रखें, और मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, जो हाफ क्लच को भाई यूज़ नहीं करना, जितनी आप हाफ क्लच करोगे ना भाई, गाड़ी की जो क्लच प्लेट होती है उसकी लाइफ और ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब आपकी क्लच प्लेट की जो लाइफ है अगर वो 1 लाख 1.25 लाख है तो वो बिल्कुल लो में माइनस में आ जाएगी, 15,000 20,000 30,000 पे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो भाई ये ना उसकी लाइफ भी एकदम डाउन हो जाती है। इस तरीके से हाफ क्लच पे काम ना करें भाई, क्लच का काम होता है आपने गियर डाल दिया और भाई क्लच को अपने मतलब क्लच को पुश किया आपने, गियर डाल दिया, गियर डालने के बाद क्लच को आप रिलीज कर दो किसी से, मतलब हाफ क्लच वाला जो काम होता है ना भाई, अब थोड़ा थोड़ा जा रहे हो बस, क्लच को एकदम दबा के रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा कर रहे हैं एक्सीलेट कर रहे हैं गाड़ी को, क्लच तो छोड़ते ही नहीं है भाई, मतलब क्लच से ऐसा नाता हो गया है, संबंध बना लेते हैं क्लच से भाई, क्लच ही नहीं छोड़नी, गियर डालते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, हैंड ब्रेक का यूज़ बहुत कम करेंगे, बस क्लच पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो भाई उससे ना आपका जो क्लच प्लेट है उसकी लाइफ एकदम डाउन आ रही है, या आपको पता नहीं पड़ता अचानक से वो ख़राब हो जाती है, मिस्त्री के पास आप जाते हो यार, कहते हो यार गाड़ी भाग ही नहीं रही है मेरी, मैं एक्सीलेटर कर रहा हूँ मगर मेरी गाड़ी आगे को भागती नहीं है, तो भाई ये मैं बता देता हूँ ये फंडा है, ये मतलब मिस्त्री भी आपको वहाँ पे मतलब लूटने की पूरी कोशिश करते हैं, तो जो भाइयों को नहीं पता है मैं वो बता रहा हूँ भाई, एक्सीलेटर आप देंगे गाड़ी आगे नहीं भाग रही है, पिकअप नहीं ले रही है, पिकअप बहुत कम हो गया है गाड़ी का, वो आगे को भाग ही नहीं रही गाड़ी, अभी क्लच प्लेट यार खत्म हो गई भाई, क्लच प्लेट ढलवा लो, चेंज करवा लो, सीधी सी बात यह है, एक्सपेंसिव पार्ट है तो भाई थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप अच्छे से सेफली ड्राइव करेंगे, अच्छे से करेंगे तो वो कभी ख़राब ही नहीं होगी, तो जल्दी से तो खैर ख़राब होती नहीं है। ये हमारी वीडियो थी इस तरीके की, अगर आपको अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आपके भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, शेयर करना भाई दबा के, आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग टाइप की वीडियो आपका भाई आगे भी लाता रहेगा।